आज़ाद कश्मीर में मेरे दोस्तों जो है ना, अगले जो 8 से 10 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, और ये मैंने इसीलिए मैंने आपको बोला है कि हमारा छोटा सा खित्ता, इसको हम कैसे, तो इसमें आज मेरा जो स्पेशली फोकस रहेगा वो इस अपोजिशन का किरदार मुल्क की तरक्की में, और स्पेशली मैं अगर आपको अपनी मिसाल के तौर पर ए जे के की जो अपोजिशन का रोल 0/0, यानी आप ने कभी देखा है कि शायद आपसे 99% लोगों को ना पता हो कि भाई अपोजिशन है भी, कि अपोजिशन का मिसाल के तौर पर आपको पता है कि डेमोक्रेसी में कितना बड़ा रोल होता है। और ये है कि अभी जो इमरान खान साहब हुक्मरान है, तो वो अपोजिशन में जो उनका एक्टिव रोल की वजह से जो है ना उनको इक्तदार मिला है, जो और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, लेकिन अगर कंपैरिजन की है जाए ए जे के में कि भाई अपोजिशन नाम की कोई चीज़ है, तो बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों। ये हेल्थी साइन होता है डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन का एक्टिव रोल। हमारे जो जितनी भी पॉलिसियां, जितनी भी सिस्टम है, या जितनी भी मिसाल के हमारी लीडरशिप, वो हर से 10 दिन के हमारे आखिरी 10 दिन, जो 5 साल में जो 10 से 1 महीना, ये है हमारी मिसाल के तौर पर सारी पॉलिटिक्स, और ये है जो है ना सारा हमारा सिस्टम, जिस वजह से हम जो है ना वो तरक्की नहीं कर सक रहे हैं, जिस वजह से मिसाल के तौर पर हमारी जो सॉरी पॉलिसी है वो जो है ना वोटिंग जो अन कास्टिंग और किस तरह जो है ना इकतदार बेस पर रहे हैं, तो इस वजह से। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे अपोजिशन जो लीडर हैं, जो मिसाल के तौर पर मेरी मेरी जो अभी की सपोर्ट है वो जो मिसाल के तौर पर करंट गवर्नमेंट के लिए है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं किस लिए शेयर कर रहा हूँ कि किसी भी मुल्क में तरक्की हो ही नहीं सकती है जब तक अपोजिशन का एक्टिव रोल अपोजिशन का ना हो और वो ना प्ले करे। और उसके बाद मेरे दोस्तों मुमकिन है जो है ना आज के हुक्मरान कल के अपोजिशन में हो, तो इसमें हमने एक कम्पिटिटिव हेल्थी इन्वायरमेंट जब भी क्रिएट कर सकते हैं कि अपोजिशन का भी वही एक्टिव रोल बनता है जो हुक्मरानों का बनता है, और स्पेशली पब्लिक में तो अपोजिशन का ज़्यादा एक्टिव रोल होना चाहिए, ताकि वो जो जैसे जो मसाइल या जो प्रॉब्लम जो मिसाल के तौर पर डायरेक्शन है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की जो अप्रोच है, ये सारी चीज़ें जो अपोजिशन उसको सेट करती है, उसको दुरुस्त करती है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक सारे पाकिस्तानी, क्योंकि हम लोग 5 अगस्त को बना रहे हैं ये जो मिसाल के तौर पर स्पेशल डे, और इमरान खान साहब भी जो है ना वो तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन क्या हमारी पॉलिसी, ये जो छोटा एरिया, इसके लिए भी कुछ है, इसकी तरक्की के लिए भी कुछ है, ये हमें सोचना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ये जो एरिया जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, 700 या 550 स्क्वायर किलोमीटर का सिंगापुर की तजिया आप मैंने दिया था, उनकी जीडीपी दिया था, हमारे जो खित्ता है, हमारा इलाका, क्या इसको हम कम से कम इसको हम एक डेवलप स्टेट नहीं बना सकते? बना सकते हैं कि उसकी एक ही जो सूरत हो सकती है कि हमारी जो जो जनरल पॉलिसियों के साथ साथ हमारी जो प्रैग्मेटिक हकीकत पसंदाना पॉलिसीज, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, और जो हमारी जनरेशन की रिक्वायरमेंट, मेरे दोस्तों अगर आप ए जे के में देखें, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ब्रिलियंट जो है ना हमारी जो एजुकेशन बच्ची हैं वो कितनी बेरोजगार हैं। हम मिसाल के तौर तो हमारे 50% हमारी पॉपुलेशन है फीमेल, तो उसमें क्या है उनकी जो है ना प्रैक्टिकल में डिसअपॉइंटेड होती है। एक बच्ची है वो PhD करती है, वो MPhil करती है, MA करती है, लेकिन उसके लिए कोई फ्यूचर नहीं है, जॉब नहीं है। तो क्या हमारे पॉलिसी साजों को इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि नहीं है? हमारी अपोजिशन लीडर को क्या, लीडरशिप को क्या, गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है? ये सिर्फ आखिरी 5 साल में जो है ना, आखिरी आपको 10 दिन में हमारा हर बंदा आपको नज़र आएगा। तो हमारी पॉलिसी जब तक दुरुस्त नहीं होगी, हमारी इस मुल्क की खिदमत के लिए मेरे दोस्तों अप्रोच ठीक नहीं होगी, ये मुल्क कभी हम अगले 1,000 साल भी तरक्की नहीं कर सकते। अभी इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपोजिशन का रोल भी हम आप और हमने देखना है। अच्छा, उसके बाद हमने जो मिसाल के तौर वोटिंग
जो है ना देने का जो सिस्टम है मेरे दोस्तों, वो भी हमने चेंज करना है। और वो मैं आपको बताऊं कि मेरे दोस्तों हमारी जो मिसाल के तौर पर इलेक्शन जो जिसमें हम जो है ना क्राइटेरिया बनाते हैं, वो यही होता है कि हाँ किसने जो है ना नलकी दे दिया, किसने जो है ना थोड़ी सी रोड दे दिया, किसने, मेरे दोस्तों इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ आवर प्रोग्रेस। लेकिन जो लीडरशिप है ना, उसका ये गोल सिर्फ नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वोटिंग में या इलेक्शन में कामयाबी के लिए पॉलिसी बनाए। और आम लोग जो मिसाल के तौर, मैंने दोस्तों आपको पहले कुरान की आयत भी सुनाई थी कि इन अल्लाह तो अद्दुल अमानत इला अहलिहा, कि अल्लाह ताला तुम्हें जो है ना वो जो अमानत मिसाल वोट की जो अमानत है वो ए लोगों के जो है ना सुपुर्द का हुक्म दिया जाता है। और इसमें मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा अच्छे काम करेगा तो उसको सवाब भी एक आम वोटर को हमेशा क्यामत तक ये सदका जारिया से मिलता रहेगा। और एक बंदा मसाए अगर लीडर है और वो गलत काम करेगा, क्यामत तक भी उसका गुनाह जो है ना उसको मिलता रहेगा। और ये कितना बड़ा एज ए मुसलमान हमारे लिए जो है ना वो सोचने का मकाम है कि हमारी पॉलिसीज़ वो मुल्क की खिदमत की पॉलिसी हो गए जिसको इस्लाम जो है ना हमें हुक्म देता है कि हम सोसाइटी की खिदमत, मुल्क की खिदमत, ये भी सवाब का काम है मेरे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम बदलेंगे, ये मुल्क कभी मेरे दोस्तों तरक्की नहीं कर सकते। हमारी सोच बदलेगी, हमारा आम आदमी बदलेगा तो ये मुल्क बदलेगा, ये जो है ना वो सियासी लीडरशिप बदलेगी। और ये जो है ना मुल्क जब बदलेगा तो हम जो है ना तरक्की की राह पर गामजन होंगे। अल्लाह ताला हमें समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे।